दिस इज अनदर केस, टाइमिंग ऑफ मैरिज एंड फेल्ड अफेयर, फेल्ड लव अफेयर. दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. ये हमारे एक फ्रेंड थे, उनके बेटी का था. एंड दैट ये बात कब की है? ये बात है शायद 2005-06 की है. अभी पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. 2005-06 की बात है. उस समय आई वॉज पोस्टेड एट पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर में मेरी पोस्टिंग थी. तो वहीं एक हमारे कलीग थे. ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? ये एक हमारे कलीग है, उनकी लड़की थी. उसका टाइमिंग ऑफ मैरिज का ये था. तो इनको बहुत जल्दी थी शादी करने की. एंड दैट गर्ल वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ इन यू नो इन हरी. कुछ उसका अफेयर कहीं चल रहा था. सो दे केम टू मी, ही केम टू मी, द फादर केम टू मी, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. तो इनका लड़की का चार्ट लेके आपके सामने, दिस चार्ट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई जस्ट, चार्ट वॉज प्रेजेंटेड फॉर जजमेंट ऑन 11th December 2005 at 10:59 AM at Port Blair. Port Blair. RP's ruling planets were at that time. I have not उसका मैंने वो निकाला नहीं. You can check it out. Time वगैरह सब हमने दे दिया है. Ruling planets were Rahu, Ketu. This is an order of strength. Okay. Rahu written first means Rahu was the ascendant star lord. Rahu, Ketu, Saturn, Mars, Sun. Sun, ठीक है. एंड द दशा रनिंग वॉज राहु सैटर्न वीनस. ये देखिए यहाँ बीच में हमने पेस्ट कर दिया. राहु सैटर्न वीनस की दशा चल रही थी. राहु सैटर्न वीनस वॉज रनिंग अप टू 13/1/2006. द चार्ट वॉज गिवन टू मी फॉर जजमेंट ऑन 11/12/2005 December 2005. एंड उस समय राहु सैटर्न एंड वीनस, महादशा ऑफ राहु, अंतरदशा ऑफ सैटर्न एंड प्रत्यंतर दशा ऑफ वीनस वाज रनिंग अप टू 13/1/2006. राहु एंड सैटर्न आर मैरिज सिग्निफिकेटर्स. व्हाइल फर्स्ट लेट अस सी वेदर मैरिज इज प्रॉमिस्ड और नॉट. ओके, शायद मैं मिस कर गया. सी नाउ, राहु इज द सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस. ओके, राहु इज द सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस. एंड राहु अपीयर्स हियर इन द सेवेंथ हाउस. So, and you can check the rest of the things. जो हमने आपको explanation दे बता दिया है, राहु का सब लॉर्ड कौन है, राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं. लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा है उसी के बेसिस पे यू कैन चेक इट आउट. आफ्टर चेकिंग आउट, आई हैव रिटन दैट राहु एंड सैटर्न बोथ आर मैरिज सिग्निफिकेटर्स, व्हाइल वीनस डज नॉट सपोर्ट मैरिज. राहु एंड सैटर्न, हाउ आर द मैरिज सिग्निफिकेटर्स? चलिए, राहु इज सिग्निफाइंग सेवेंथ हाउस हियर एज द महादशा लॉर्ड एट एनी लेवल इफ इट इज सिग्निफाइंग विदाउट सिग्निफाइंग द डिनाइंग हाउसेज वेहमेंटली और वेरी स्ट्रांगली. डिनाइंग हाउसेज मीन्स मेनली द सिक्स्थ हाउस. तो राहु इज सिग्निफाइंग सेवेंथ. सैटर्न द अंतरदशा लॉर्ड इज सिग्निफाइंग सेवेंथ वेरी स्ट्रांगली एट द ए लेवल. ओके, चलिए आपके लिए लेट अस चेक आउट व्हाट राहु इज सिग्निफाइंग. राहु का सब लॉर्ड है मून. व्हाट इज मून सिग्निफाइंग? मून इज सिग्निफाइंग 10th हियर. मून इज सिग्निफाइंग थर्ड हियर. ओके, मून इज सिग्निफाइंग 10th 10th एंड 10th हियर. ठीक है, इट इज नॉट सिग्निफाइंग एनी ऑफ द मेन नेगेटिंग हाउसेस. इट शुड सिग्निफाई द sixth house if there was negation. And Rahu is signifying seventh at the B level. Rahu कहाँ है? Rahu is sitting where? Rahu is sitting in the house of Venus. Okay? Venus क्या signify कर रहा है? Venus signifying 12th. Venus signifying 9th. And Venus is signifying 4th and 5th. So Rahu has a connection with the seventh sub lord, has a connection with, this is of note, with the fourth and fifth. Okay, इसको नोट कर लीजिएगा. फोर्थ एंड फिफ्थ से कनेक्शन है राहु का. ओके, एंड द फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड इज सैटर्न. ओके, व्हिच फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड इज सैटर्न, व्हिच इज आल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ द सेवेंथ हाउस. व्हाट एम आई हिंटिंग एट? बताइए.
फिफ्थ हाउस का कनेक्शन जब मैं निकाल रहा हूँ मैरिज हाउस रिलेटेड हाउसेस, तो व्हाट एम आई हिंटिंग एट, मैं क्या हिंट करने की कोशिश, लव मैरिज, ठीक है। तो ऑन 31 राहु सैटर्न सन वाज, तो वीनस डज नॉट सपोर्ट मैरिज ऑन इट्स ओन, वीनस डज नॉट सपोर्ट मैरिज, अंतरदशा लॉर्ड है, वीनस फोर्थ फिफ्थ को कर रहा है, लेकिन सेकंड सेवेंथ इलेवेंथ को वीनस सपोर्ट नहीं कर रहा है, शादी देने के लिए काफी उसका सपोर्ट नहीं है, दैट इज व्हाई वीनस एट्थ को सपोर्ट कर रहा है, अड़ंगा डाल रहा है, वीनस ट्वेल्थ को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्थ को कर रहा है, फिफ्थ को कर रहा है, 2, 7, 11 में वीनस कुछ नहीं, कहीं भी जो है वीनस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वीनस का सबलॉर्ड मर्करी है, मर्करी इज सिग्निफाइंग नाइन्थ, मर्करी इज सिग्निफाइंग नाइन्थ, मर्करी इज सिग्निफाइंग नाइन्थ, मर्करी इज सिग्निफाइंग नाइन्थ एट ऑल द फोर लेवल्स, नाइन्थ इज अ न्यूट्रल हाउस, सो वीनस इवन थ्रू इट्स सबलॉर्ड इज नॉट सपोर्टिंग मैरिज। सो 13/1/2006 तक शादी संभव नहीं थी, आई टोल्ड द पेरेंट्स स्टिल वीनस अंतरदशा इज ऑन, मैरिज मे नॉट happen, we use may, okay, ठीक है। देखिए on 13/1/2006 Rahu Saturn Sun was starting, on 13/1/2006 Rahu Saturn Sun was starting and Sun is the only significator of 11th house, Sun is the only significator of 11th house, mind कीजिएगा, so we need Sun for the marriage to take place, सन हमें चाहिए ही चाहिए, इट इज दी ओनली सिग्निफिकेटर इफ यू सी हियर, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर मैरिज, सन सिग्निफाइज सेकेंड ऑल्सो, सन सिग्निफाइज सेकेंड ऑल्सो, सन सिग्निफाइज सेकेंड ऑल्सो, वाइल राहु एंड सैटर्न सिग्निफाइज सेवेंथ, सो दिस कॉम्बिनेशन 2, 11, 7 इज कंप्लीट, ठीक है। सन बाय द वे सिग्निफाइज सिक्स्थ ऑल्सो, ये बाद में प्रॉब्लम होगा, इट इज नॉट एट दी सब लेवल, ओके, सब लॉर्ड लेवल पे नहीं है, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये शादी को काटेगा नहीं, क्योंकि 11th कर रहा है और राहु और सैटर्न सेकेंड और सेवेंथ के साथ सन 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो शादी वो होने देगा, इट इज नॉट एट दी सब लॉर्ड लेवल, दिस इज सफिशियंट टू गिव मैरिज। सो राहु सन, राहु सैटर्न सन, आई टोल्ड देम जैसे ही शुरू होगा शादी हो जाएगी, बिकॉज सन, अगर सन आउट ऑफ पिक्चर चला जाएगा देन देयर इज नो प्लैनेट व्हिच इज सिग्निफाइंग द 11th हाउस, देन इट कैन बी ओनली थ्रू सब लॉर्ड। देखिए समझिए बात को, सन कुड हैव गिवन मैरिज इन सम अदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इफ सन you know appeared as a strong sub lord of some planet being the significator of the 11th house, sun ketu mein de sakta tha ketu mein, but ketu had other ramifications also, ketu has other ramifications, ketu 12th mein hai, disturbing house hai, theek hai, ketu ke aur bhi significations hote hain, and the situation was such ki inko jaldi se jaldi shaadi karni thi, because of very strong love affair was going on, that I was told by the girl's father. I said 13/1/2006 ko jab ye antardasha shuru hogi, jis din Venus khatam hoga aur sun shuru hoga 13/1, us din shaadi ho sakti hai, usi din, because kyun, Rahu Saturn, ye niche dekhiye yahan chart ke niche, Rahu Saturn sun 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 was up to 13/1/2006. So that is the day I predicted, told them ki is din, ek do din upar niche hota hai, shaadi ho jani chahiye aapke beti ki. And even predicted that the love marriage as planned by the girl may not come through. Ye bhi humne bola, dekhiye aap bol rahe hain love marriage, lekin humko lag raha hai kuch gadbad ho sakta hai. There may be some, kuch lafda ho sakta hai. The sub lord of Saturn, the seventh significator is Venus signifying fifth, and Saturn is also the sublord of the fifth. This is an indication of love marriage. I warned the parents that love affair may not be successful, as Venus was also signifying fourth. Venus is signifying fourth and fifth both. Fourth and the fourth cuspal sublord. Dekhiye yahan,
हमने आपको एक लिखाया था राइटअप में, देखिएगा जो हमने मैरिज पर दिया है, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड इफ इट इज सिग्निफाइंग द फिफ्थ हाउस एंड इफ देयर इज एन अफेयर गोइंग ऑन दैट अफेयर इज लाइकली टू ब्रेक. व्हाई? बिकॉज फोर्थ इज द नेगेटिंग हाउस टू द फिफ्थ हाउस. Because Venus was also signifying fourth and fourth cuspal sublord Ketu. यहाँ पर देखिएगा fourth cuspal sublord Ketu. Fourth cuspal sublord Ketu was also signifying both fourth and fifth. It so transpired that the boy ditched the girl at the last moment, and the parents had to organize a last minute marriage in a known family for face saving. उसकी शादी किसी तरीके से उन लोगों ने, कहीं एक और पेरेंट्स के तरफ से चल रही थी बात, वहां पर उन लोगों ने ठीक करके किया शादी, बिकॉज चारों तरफ वो हो गया था, मैरिज हो रहा है, मैरिज हो रहा है. द मैरिज टुक प्लेस ऑन द प्रेडिक्टेड डेट इटसेल्फ. उसी दिन हुआ शादी, 13/1/2006 को ही शादी. इट वाज अ बिग, इट हैड बिकम अ बिग स्कैंडलस थिंग. राहु सैटर्न सन सन ऑल द प्लैनेट्स आर अमंगस्ट द आरपीज आल्सो. ऊपर आप देखिएगा राहु, जो हमने राहु केतु Saturn, Sun, सारे जो हैं वो आरपीज हैं. So this was, this became a big, it was a big scandalous affair. Now scandalous affair में आप देखिएगा, see everything, everything, all the planets concerned, देखिए Venus, fourth, fifth का, eighth, twelfth, सब जगह जो है Venus का connection है, Venus और केतु का connection है. देखिए आप, the fourth cuspal sublord केतु is having connection with fourth, fifth. Fourth, fifth, Venus is having connection with eighth, and Ketu is having connection with 12th. So it was a scandalous thing. And fifth and seventh sublords were connected. So there was an affair, jo ki love marriage ko indicate kar raha tha, but breakup of the love marriage was also indicated. So that is how it happened. That is how it transpired. Very long back. एंड देखिए वीनस, आप वीनस का देखिए, और यू सी द रोल ऑफ वीनस. वीनस इज अनटेनेंटेड, वीनस इज अनटेनेंटेड, जो मैंने कहा वीनस शादी नहीं करवा सकता है. वीनस इज ऑल्सो द अनटेनेंटेड सब लॉर्ड ऑफ 10th हाउस एंड द 12th हाउस, ऑल मैरिज डिस्टर्बिंग हाउसेस. ओके, ऑल मैरिज डिस्टर्बिंग हाउसेस. सो दिस इज हाउ यू कैन यू नो सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्ट एंड टाइम अ मैरिज. और इसका ललित जी आप देख लीजिएगा, इफ यू वांट टू चेक आउट द ट्रांजिट, इस हॉरोस्कोप को डाल लीजिएगा, उस डेट का ट्रांजिट खोल करके देख लीजिएगा कौन सा. यू कैन चेक इट जी. ओके चलिए, तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आई गेस, आई थिंक that he will take